हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनिया दटवाल एंड आई होप आप लोग सब ठीक हो। एंड थैंक यू सो मच, आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, आई नीड योर सपोर्ट। एंड जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ रेड बटन दबाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आपने मेरी काफ़ी वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने मॉल्स और आपने सिटी लाइफ देखी होगी, बेसिकली दुबई शारजा। बट आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ब्लॉग लेकर आई हूँ। आज मैं आई हूँ जबल जाइस, जो कि रसल खेमा में है। रसल खेमा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एमिरेट्स ऑफ UAE एंड ये दुबई शारजा से 1.5 आवर का यहाँ पे आपको टाइम लगता है, डिस्टेंस पे है। एंड यहाँ पे ये कुछ एरिया ऐसा है, पहाड़ है यहाँ पे एंड बहुत ज़्यादा पीस है। अगर आपको कभी मन करे आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे बहुत पीस है। एंड अभी मुझे फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना है, सो आप ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। यहाँ पे एक अंकल है, वो बताएंगे हमें यहाँ पे इस जगह के बारे में, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो हम उनसे पूछते हैं। सो अंकल, यहाँ पे आप बताइए कुछ एरिया के बारे में। ये तो जबल देश बोलते हैं इसके। ओके, जबल देश पूरा वेस्टर्न रेल आता है इधर आके, पूरा फोटो मोटो खींचते हैं। हाँ, फोटो रसल खेमा में है। रसल खेमा में जबल देश, ये जगह का नाम जबल देश। जबल जैस, नीचे से ऊपर तक जबल देश बोलते हैं। ओके, वो आके पूरा वेस्टर्न रेल आता है। ओके ओके, एंड इसके ऊपर अभी ऊपर है जिप लाइन है। जिप लाइन है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जिप लाइन है ना। ओके ओके, सो वो ऊपर है, अभी हम वहाँ पे जाएंगे। सो ब्लॉग लास्ट तक जरूर देखिए। एंड जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पीस है एंड सिटी से बिल्कुल अलग है एरिया ये। एंड आपने अभी बताया यहाँ पे इसके दूसरी साइड ओमान है। हाँ, ओमान है, वो उसको ऊपर है ना, ऊपर वो देख रहे ना, वो ऊपर है उसको। ओके, ऊपर जो है इसके दूसरी साइड ओमान है, जो कि मस्कट में पड़ता है, ओमान है वो एरिया। एंड वहाँ पे बॉर्डर है एंड वहाँ पे मिलिट्री है, सो दैट कोई ऐसे क्रॉस ना करे। एंड यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा एरिया अच्छा है। ज्यादा यहाँ पे रश था, आज थोड़ा कम है, क्योंकि अभी ईद हॉलीडेज है, सो इसलिए काफी जो लोग है यहाँ पे आ रहे हैं घूमने। सो अभी हम चलते हैं ऊपर एंड मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा अलग व्यू। एंड अभी हम देखेंगे क्या क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हो, जिप लाइन, स्लैडर और भी काफी है। सो ब्लॉग लास्ट तक जरूर देखिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। एंड थैंक यू सो मच अंकल, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो यहाँ पे। ओके थैंक यू, ये अंकल है यहाँ पे। ओके सो गाइस, ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा व्यू है। एंड अभी मैं टॉप पे हूँ एंड ये देखिए आपको रोड दिखाई दे रहे होंगे एंड वो देखिए कार्स चल रही हैं। सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है, आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए अगर आप आएँ यहाँ पे। एंड इसकी लोकेशन है जो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी, ये जबल जाइस एरिया का नाम एंड रसल खेमा में पड़ता है। एंड ये जो इस जो ये वाले पहाड़ हैं इनके दूसरी साइड जो है वो ओमान है मस्कट, एंड वहाँ पे बॉर्डर है, मिलिट्री वगैरह होती है। एंड यहाँ पे आपको पता होगा जो जिप लाइन है वो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट जिप लाइन है। मे बी आपको अभी दिखाई नहीं दे रही होगी, यहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, सामने ये जिप लाइन का बना हुआ है ये देखिए, मे बी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। एंड ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट जिप लाइन है। एंड अभी हम टॉप पे जाएंगे, वो देखिए सामने वहाँ से जिप लाइन वगैरह स्टार्ट होती है।
एंड गाइस ये है जेस लैडर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है सो हमें वेट करना पड़ेगा काफ़ी, एंड देखते हैं अगर टाइम मिला तो। एंड उसकी टिकट 40 dirham है सो उसकी टिकट सही है, बट जिप लाइन की थोड़ी ज़्यादा है। सो गाइस जो मैंने आपको स्लेडर बताया था उसके लिए तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है एंड वो मेरे को ट्राई करना है, बट जिप लाइन मैं नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को डर लगता है। एंड उसका प्राइस भी देखेंगे हम कितना है, उसका थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा है। सो मुझे लगता है हमें रात हो जाएगी इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना है यहाँ से। रास्ता थोड़ा सा सही है बट रात हो जाएगी सो लाइट्स वगैरह नहीं है प्रॉपर, सो रात को ड्राइविंग करना डिफ़िकल्ट रहेगा सो इसलिए हम जल्दी से निकलेंगे। बट मैं देखती हूँ जाते टाइम, हम ट्राई करेंगे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, मैं ट्राई करूँ आपको भी दिखाऊँ। एंड और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ है एंड आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए अगर आप आएँ, बहुत अच्छी जगह है। एंड जिनको जैसे ये वाला एरिया अच्छा लगता है सिटी लाइफ से थोड़ा अलग, सो उनको ज़रूर विजिट करना चाहिए यहाँ पे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी सो लाइक ज़रूर करना, एंड मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह दिखाऊँ यूएई की। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं टॉप पे, हमने पार्क की अपनी गाड़ी एंड अभी देखते हैं वहाँ पे। हमें एक्चुअली फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं पता, बट देखते हैं क्या क्या है। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको पहले ही सारी जगह के बारे में बता दूँ सो दैट जब भी आप आएँ तो आपके लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, आप इजीली यहाँ पे ढूंढ सकें जो जो भी एक्टिविटीज़ है। एंड एक ही जगह पे नहीं है, जैसे वहाँ पे जस्ट लैडर था, अभी यहाँ पे जिप लाइन का है, बट मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं है सो इसलिए मैं जा रही हूँ देखने। ये मुझे अभी इंडिया की याद आ गई ऐसा एरिया देख कर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सिटी से बिल्कुल अलग, बहुत ज़्यादा पीस है एंड काफ़ी टूरिस्ट आए हैं आप देख सकते हो, पहले हमें लगा इतना ज़्यादा नहीं है। सो गाइस जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे ना तो वैसे ही अच्छा ज़्यादा व्यू होता जाएगा, ये देखिए पीछे ज़्यादा हाइट पे है। जिप लाइन है उसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट करवानी पड़ती है, ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है, मैंने अभी पूछा सिक्योरिटी से। सी द व्यू, व्यू इज़ रियली रियली अमेजिंग एंड अभी इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी भी नहीं है, काफ़ी अच्छा मौसम है। ये देखिए आप देख सकते हो कैसे चीखे सुनाई दे रही है। सो हमने भी गाड़ी यहाँ पे पार्क की है, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टॉप बनाए हैं एंड टूरिस्ट देखिए कितने ज़्यादा है। एंड सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने बताया कि कल ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे, आज फिर भी सही है, बट देखिए आज भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। एंड गाइज ये देखिए जिप लाइन आप देख रहे हो कितनी फास्ट आ रही है, ये सच में बहुत ज़्यादा डर लगेगा मुझे तो यहाँ पे। सो गाइज ये है छोटी वाली जिप लाइन, इसका थोड़ा जो डिस्टेंस है वो कम है आई थिंक सो, जिसका ज़्यादा जो हाईएस्ट है वो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। एंड ये जो है इसका डिस्टेंस थोड़ा कम है, ये देखिए। एंड गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को ये पसंद है और कौन ये ट्राई करना चाहता है और कौन ट्राई करेगा अगर यहाँ पे आए। एंड गाइज दिस इज़ द लॉन्गेस्ट जिप लाइन इन द वर्ल्ड विथ 2.83 kilometers स्पैन ऑफ जिप वायर एंड दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द यूएई 1680 meters अबव द सी लेवल। यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे एक होटल है जो कि एक्सपेंसिव है एंड उसके पास ही में ये होता है जिप लाइन एंड आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है उसके लिए। एंड यहाँ पे आप अपनी कार्स लेके नहीं आ सकते, बस वही आ सकते हैं जिनकी बुकिंग हो एंड आप कार्स के बिना आ सकते हो वॉक करके। एंड गाइज आप रोन के देखिए कितनी ज़्यादा लगी हुई है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज आई हैं, टूरिस्ट काफ़ी हैं यहाँ पे। वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने चलना, हमने गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी है, आपको इससे आइडिया मिल सकता है कितने ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पे। एंड कल यहाँ पे ज़्यादा क्राउड था एंड अभी देखते हैं कुछ, मैं सोच रही हूँ स्लैडर वगैरह ट्राई करने का बट उसमें बहुत ज़्यादा रश है
मैं आपको लाइन दिखाती हूँ, आप भी देखकर हैरान रह जाओगे। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन कौन जब यहाँ पे आएगा तो ये जिप लाइन ट्राई करेगा। एंड गाइज ये है जेस लैडर, काफ़ी ज़्यादा रश है, मुझे ये ट्राई करना था बट आई थिंक अभी हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। एंड इसकी टिकट कम है एज़ कम्पेयर टू द जिप लाइन, एंड इसमें पूरा स्पीड कंट्रोल है। ये देखिए कैसे आ रहे हैं लोग वहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर जाना और वहाँ से फिर आते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है, आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। एंड इसकी टाइमिंग अभी बंद होने वाला है, वो देखिए कैसे जा रहे हैं वो। एंड वो जो डिस्टेंस है उसका कम है वो जिप लाइन का। जैसे बताया इन्होंने टाइमिंग है ट्यूसडे टू संडे 9 to 5, मंडे क्लोज्ड, एंड एडल्ट के लिए 40 dirham एंड एडल्ट प्लस चाइल्ड 60 dirham। ये है इसका इंफॉर्मेशन है इसकी। एंड अभी शायद ये बंद होने वाला है, ये बंद है ऑलमोस्ट, टाइम हो चुका है। एंड लाइन अभी स्टिल इतनी ज़्यादा मैसिव है। एंड गाइज दिस इज़ व्यूइंग डेक पार्क, एंड अभी हम ऊपर चलते हैं, मैं देखती हूँ इसकी टिकट है कि नहीं। एंड ये देखिए व्यू कितना ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए आपको 5 dirham पे करना पड़ता है ये व्यू देखने के लिए। दिस इज़ व्यूइंग डेक पार्क, ये देखिए। आपको यहाँ पे हर एक स्पॉट पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह मिल जाती है। जो व्यूइंग डेक है ये वहाँ पे है, ये देखिए फूड जोन भी है, पार्किंग, रेस्ट रूम्स, यहाँ पे ऐसा एरिया है, ये किड्स के लिए है, यहाँ पे प्ले एरिया एंड फैंस भी लगे हैं, बट वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा है। एंड वो सेल्फी पॉइंट है। बताना यहाँ पे आप हाइकिंग कर सकते हो, ये वाला रास्ता है, पहले मुझे पता नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम विल ट्राई। एंड हमें दो एक्टिविटीज़ करनी है, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी हम नहीं कर सकते, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे। सो विल ट्राई टू डू दिस थिंग एज वेल। सो गाइज वो था एरिया ऊपर जहाँ से हम आए हैं, वो टॉप से हम आए हैं। एंड ये जो है यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लगता है, एंड ये देख सकते हो आप। एंड जो एरिया था ऊपर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा थी, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। एंड मैं नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं ज़रूर वो स्लेडर जो ट्राई करूँ, एंड जिनको पसंद है जिप लाइन वो भी यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एंड उसकी टिकट आप चेक कर सकते हो, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, एंड उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। सो मेक श्योर कि आप पहले ही बुकिंग करके आएँ। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो कैंपिंग करते हैं, कई जो है वो नाइट स्टे करेंगे। एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ।